तो हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ऐप 13 की, जो इंडिया में लॉन्च हुई उसे भी एक दो वीक हुए हैं, मतलब एक दो सप्ताह ही हुआ है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स के अंदर देखते हैं तो बॉक्स कंटेंट, बॉक्स के अंदर आपको केस मिल जाता है और एक सिम जनरेटर टूल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल वगैरह और 15 वाट का चार्जर मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, लुक और डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है काफ़ी तगड़ी प्रीमियम डिज़ाइन दी गई है। तो इसकी लुक और डिज़ाइन की बात करते हैं, वो डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले आपको मिलती है 6.6 इंच की फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले, जो काफ़ी बढ़िया। 60Hz रिफ्रेश रेट आती है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आती है। तो इस पर जो भी कंटेंट वगैरह देखते हैं वो काफ़ी तगड़ा दिखेगा, इतनी अच्छी डिस्प्ले आपको इसमें प्रोवाइड की गई है। तो जो ये आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 12 वर्जन मिल जाता है, तो 13 का मेरे हिसाब से आपको अपडेट मिलेगा काफ़ी। तो हम बात करते हैं इसकी, जो प्रोसेस पर आता है वो आता है एक्जिनो 850 पर, तो काफ़ी पावरफुल सा प्रोसेसर है। आप इस पर गेम अल्ट्रा हाई पर आराम से खेल सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और उस पर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी है, मतलब 2 दिन तक आपको कहीं नहीं जाने वाली। और आप इस पर अच्छे से 0 to 100 करने में 15 वाट की सुपर फास्ट चार्जर, मतलब 1.5-2 घंटा आपको मिनिमम लग जाएगा 0 to 100 करने में, तो ये काफ़ी ठीक ठाक बात है। तो बजट रेंज वाले मोबाइल में चाहे तो कैमरे की बात करें, कैमरा मिलता है वो प्राइमरी वाला 50 MP प्लस 5 MP अल्ट्रावाइड, 2 MP का माइक्रो। तो फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिलता है 8 MP का। तो इस पर आप फोर व्यूअर रियर और फ्रंट दोनों से आप फुल HD में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आता है। तो इसमें रैम टाइम मिलती है LPDDR 4X रैम और रोम मिलती है स्टोरेज टाइप EMCP, जो ठीक ठाक सी साइज है, मतलब काम करते हो इसमें कोई आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं ना, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सारी कनेक्टिविटी है। तो इसमें आपको कनेक्टिविटी है डुअल 4G वॉल्टी मिल जाता है, वाईफाई कलिंग स्पोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है और शायद ये एक और वेरिएंट आता है 5G में भी आता है शायद। और आप इसमें एक और मिलता है आपको कनेक्टिविटी में, मतलब 2 SIM इसके अंदर है और दोनों में आप चार्जर, तो एक में ख़त्म होने पर ऑटोमेटिक उसमें दूसरे में चलने लगता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें प्राइस की बात करें, प्राइस मिलती है 11,999, मतलब 12,000। तो इस पर कोई भी कार्ड वगैरह लगाते हो तो आपको सिर्फ 10,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक।